फिजिकल और लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए आप जिस तरह से कर रहे हो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो बार बार अपना प्लान मत बदलिए, जो प्लान आपने कर रखा है आपके लिए बेस्ट है। अगर फिजिकल तैयारी में आपको बिल्कुल डर लगता है, बिल्कुल आपको ये लगता है कि मेरा हो ही नहीं सकता, उनका चैलेंज रिम डिफेंस एकेडमी स्वीकार करती है। हॉस्टल फैसिलिटी है, बेटियों के लिए भी बॉयज के लिए भी बैचेज लगातार शुरू हो गए हैं। जयपुर में दो जगह, 206 बीघा जो अपना पुराना ग्राउंड है उसमें भी, और जो गोविंदपुरा में नया ग्राउंड है कालवाड़ रोड पे, दोनों जगह फिजिकल मॉर्निंग में 5:30 बजे से बैचेज शुरू हो गए, इवनिंग में 5:30 का इवनिंग का टाइम है। तो उसमें आप आराम से एक दिन के लिए डेमो के लिए आ सकते हो। जो पुराने बच्चे हैं वो भी, जो पहले से जुड़े हुए हैं जिनको पता है, कभी भी आप आ सकते हैं और अपनी तैयारी रेगुलर कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। अब समय मत लगाओ बस ये तैयारी में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसके बाद में आपको रिटर्न एग्जाम भी अगर साथ में करना है तो वो भी, यहाँ बैचेज लगातार चल रहे हैं एकेडमी के अंदर, नया बैच परसों से शुरू हो रहा है, उसके लिए आप आ सकते हो। उसमें आप फिजिकल भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो अगर आपने सीईटी में अच्छा स्कोर किया है, और नई वैकेंसी की तैयारी के लिए भी आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे जयपुर नहीं आ सकते वो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी दोनों तैयारी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, फिजिकल तैयारी भी कर सकते हैं। अब आपको अगर इससे संबंधित कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर पाऊं।